हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर की दलका। दोस्तों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। काफी शॉर्ट टॉपिक है। अगर हम जो एजेंट का टॉपिक कर रहे थे, अगर कॉन्सेप्ट आ जाए मल्टी एजेंट का, तो उस केस में हम कैसे उनसे डील करेंगे? मल्टी एजेंट कैसे डील करेगा, क्या कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या इसके बेनिफिट है एक्चुअली, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मल्टी एजेंट सिस्टम जिसे हम बोलते हैं MAS, ठीक है। तो मल्टी एजेंट में हम क्या देखेंगे? तो मल्टी एजेंट सिस्टम आर सिस्टम, ये ऐसे सिस्टम है दैट कंपोज ऑफ मल्टीपल एजेंट। नाम से भी समझ में आ रहा है, यानी कि इसके अंदर क्या रहेगा, बहुत सारे एजेंट्स रहेंगे जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। यानी कि मल्टी एजेंट का मतलब क्या रहता है? मल्टी एजेंट का मतलब है यहाँ पर मोर देन वन एजेंट्स रहेंगे जो इंटरेक्शन करेंगे एक दूसरे के साथ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। AI की अगर बात करें तो AI कैन बी यूज टू क्रिएट एजेंट दैट आर एबल टू रीजन एंड मेक डिसीजन ऑन देयर, ठीक है। तो AI का काम क्या रहता है? एजेंट्स को क्रिएट करने का काम रहता है जो कि एबल हो टू रीजन एंड डिसीजन लेने के लिए, कैपेबल हो खुद के डिसीजन लेने के लिए। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मल्टी एजेंट के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, जब वो बात करें तो रिएक्टिविटी का मतलब यहाँ पर हम ले सकते हैं, जस्ट लाइक कि एजेंट नो अबाउट एनवायरनमेंट परसेप्शन, यानी कि एजेंट को एनवायरनमेंट के परसेप्शन के बारे में ऑलरेडी पता होता है, एंड रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंज दैट इफ इट मे ऑकर, ठीक है। जैसे कि जो एनवायरनमेंट के बारे में उस सब कुछ ऑलरेडी एनवायरनमेंट के बारे में उसे सब ऑलरेडी पता होता है, बट अगर एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं तो वो इजीली और क्विकली रिस्पोंड करे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यानी कि वो रिएक्टिविटी की इसमें फैसिलिटी होनी चाहिए, होती है एक्चुअली मल्टी एजेंट की अगर बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोएक्टिविटी की। तो प्रोएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या आता है? प्रोएक्टिविटी, ठीक है, एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स के लिए लिमिटेड नहीं होता है। पहली बात तो ये क्या है, ये बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं होता है, ठीक है। यानी कि इसमें अगर बात करें, एजेंट्स आर एबल टू टेक इनिशिएट, यहाँ पर क्या रहता है, एजेंट इनिशिएटिव होते हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ये बिहेवियर शो करते हैं टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल और ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो प्रोएक्टिव में क्या होता है, ये एजेंट्स काफी जो रहते हैं यहाँ पर मल्टी एजेंट की अगर बात करें तो ये काफी इनिशिएटिव होते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं ये हर चीज को, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ये गोल को अचीव करते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव को लेते हैं, ठीक है। सोशल स्किल की अगर बात करें तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, यानी कि जो एजेंट है वो कम्युनिकेशन स्किल उनमें अच्छी होती है, जो एक एजेंट है दूसरे से बात करता है, कम्युनिकेशन स्किल इसमें काफी अच्छी होती है जिसके थ्रू हम लोग हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि कुछ भी कनेक्शन इस्टेब्लिश करना हो कुछ इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट के बीच में, या किसी पर्टिकुलर स्पेशल डेटा के बीच में, कोई स्पेशल कंटेंट है हमारा उसके बीच में कोई जो कनेक्शन क्रिएट करना है, तो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए सोशल स्किल की यहाँ पर हमें नीड होती है। तो इसमें क्या रहता है, द एजेंट्स आर एबल टू इंटरेक्ट विद अदर एजेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा रहता है कि एजेंट दूसरे एजेंट के साथ इंटरेक्शन करने में कैपेबल होता है, एबल होता है, जो भी किसके थ्रू करता है एक्चुअली ये एजेंट कनेक्शन, तो ये करता है ACL, यानी कि एजेंट कम्युनिकेशन लैंग्वेज के थ्रू ये करता है, ठीक है। और कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है किनके बीच में इस्टेब्लिश करता है, कोई इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट हो गया या कोई ऑटोनोमस ऑब्जेक्ट हो गया, इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट और स्पेशल कंटेक्स्ट के बीच में ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का काम करता है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर सोशल स्किल। सोशल स्किल को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, द एजेंट्स आर एबल टू इंटरेक्ट विद अदर एजेंट्स थ्रू अ गिवन ACL एंड एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट एंड स्पेशल कंटेक्स्ट, ठीक है। तो ये है यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन, सोशल स्किल उसके अंदर होना चाहिए, यानी कि कैसे वो इंटरेक्ट करता है वो सब होना चाहिए। प्रोएक्टिव यानी कि एजेंट शुड बी इनिशिएटिव होना चाहिए हर चीज को लेने के लिए, और उसके अकॉर्डिंग अपने गोल को अचीव करने वाला भी होना चाहिए, ठीक है। रिएक्टिव का मतलब यानी कि कोई भी इसमें सपोज की जैसे कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया रिएक्टिव में, उसको पहले से एजेंट को ऑलरेडी पहले से पता होता है सब कुछ, और उसके अकॉर्डिंग वो अगर इन केस एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस आया है तो उसके अकॉर्डिंग वो उस चेंज के अकॉर्डिंग
अपने आप को जस्ट लाइक कि अपने आप को चेंज कर पाए, रिस्पोंड कर पाए, तो वो होता है हमारा रिएक्टिव। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक MAS। थैंक यू।